हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सारा काम निपटा के मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। और आज है वैभव की छुट्टी, मतलब आज ही नहीं है, अगले 2-3 दिनों तक वैभव की छुट्टी है क्योंकि क्रिश्चियंस का कुछ फेस्टिवल होता है। कल का तो मुझे पता है कि कल गुड फ्राइडे है, बट ये 2-3 दिनों में वो कह रहा था कि ईस्टर्न करके कोई फेस्टिवल है तो उनकी है छुट्टी। तो वो आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं और शेखर लग गए हैं अपने काम पे और मैं हो गई हूँ रेडी। कैल्विन मेरा बाहर वेट कर रहा है क्योंकि कैल्विन आजकल मेरे साथ ही जाता है स्कूल। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं स्कूल और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। व्लॉग में कंटिन्यूसली बने रहिएगा। और हाँ, आज का ना वेदर भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, बारिश आने वाला हो रहा है। अब आएगी नहीं आएगी वो तो बात की बात है, बट अभी जो मौसम हो रहा है वो बारिश आने वाला हो रहा है। तो इससे पहले कि बारिश शुरू हो, मैं और कैल्विन चले जाते हैं स्कूल। 2000 years later। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। और घर आते ही मुझे ना रोज़ सदमे से लगते हैं। घर पहुँच के किचन में घुसते ही जिस दिन वैभव घर पे रहता है ना, उस दिन मुझे मतलब मुझे तो ऐसा धोक धोक हो रहा है, शॉक लगता है। आप देख सकते हो शॉक लगने का कारण है नहीं है, कितने सारे आलू बॉईल कर रखे हैं, कितना सारा ऑयल रखा हुआ है और ब्रेड। और मुझे स्कूल में इसके फोन पे फोन आ रहे थे, मम्मी मैं टोस्ट बना रहा हूँ। नहीं, कटलेट्स। हाँ भाई, जो भी होता है, कटलेट्स वो बन रहे हैं हम। और मेरा ना सर दर्द हो जाता है सुन के। एक तो वैसे सर दर्द रहता है, इसकी बातें इसकी हरकतें देख के और ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। ऊपर से डर लगा रहता है, गैस वैस पे काम करता है तो फिर डर लगा ही रहता है। दोस्तों, अब बना रहा है, फिर खाएंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को कैसे बने थे, क्या किया था। मैं बस जब भी पहुँचती हूँ ना और ये घर पर रहता है तो उस दिन इसकी यही हरकतें होती है घर पहुँचते ही। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, घर के अंदर आते ही ना वैभव मुझे सरप्राइज़ भी देता है और शॉक्ड भी कर देता है। तो वो कभी कभी अच्छी भी हो जाती है, वो शॉकिंग चीज़ ना कभी कभी अच्छी बन जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है क्योंकि ये चीज़ बहुत टेस्टी बन गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वैभव ने कटलेट्स कैसे बनाए हैं। सी द कटलेट्स, बहुत मेहनत करता है लड़का इस चीज़ों, एक खाने पीने की चीज़ों में। और साथ ही साथ ये बोलता है कि मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा आगे चल के। मैंने कहा चलो, वो तो आप जैसा चाहो वैसा करो, अच्छी बात है। तो पापा इंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल कटलेट्स को, उसके बाद वो बताएंगे, क्योंकि हम पहले भी टेस्ट कर चुके हैं ना दोस्तों। तो वाकई में बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। कोई नहीं कहेगा कि ये एक छोटे बच्चे ने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हैं, आलू बॉईल करने से लेकर आलू छीलने से लेकर पूरा उसको मैश करना, मसाला ऐड करना, ऑल ओवर वर्क सारा वैभव ने किया हुआ है। तो वाकई में बहुत टेस्टी है वैभव, थैंक यू फॉर द अमेजिंग लंच। तो दोस्तों, वैभव ना मतलब होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहा है, तो उसका इसको पहला स्टेप नहीं कहेंगे, उसने बहुत सारे स्टेप रख दिए हैं पहले भी। कभी कुछ बना करके सरप्राइज़ देता रहता है। तो वाकई में बहुत टेस्टी हैं। तो इसको मैं कहूँगी कि वो धीरे धीरे ना स्टेप वाइज अपने होटल मैनेजमेंट के सपने की ओर बढ़ रहा है लड़का आगे। और देखो दोस्तों, हमें दे रहा है और ख़ुद बीच में आकर के हमारे साथ खाने भी लग रहा है। मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, जब आप बना रहे होते हो तो आपको खाना नहीं होता बीच बीच में। 3 hours later। डिब्बों में नहीं, शूज में। लगे हुए हैं अपने काम पे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया। तो A few moments later। Once more। ये कौन सा डांस हो रहा है वैभव? कौन सा डांस होता है ये? मस्ती में झूम रहे शेखर।
कह रहे मेरे स्कूल टाइम का गाना बज रहा है और मुझे पुरानी यादें ताजा करनी है। बेटे के सामने अप्सरा नाच रही है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने शेखर का डांस मैंने कैसे कैप्चर कर लिया पीछे से, वैभव के सामने वो दिखा रहे थे अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, अप्सरा नाच रही थी इंद्र देवता के सामने। तो फ्रेंड्स अभी उन्होंने खाना नहीं खा रखा है और वैभव को मैंने खाना खिला दिया है और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मेरी आवाज़ मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे फिर से एक बार जुकाम लग चुका है। एक्चुअली मैंने ना अभी 2 या 3 दिन पहले आइसक्रीम खा ली थी, उससे मुझे फिर से मेरा गला एकदम जाम हो चुका है और मुझे आज ना मतलब बिल्कुल भूख नहीं लगी है। तो फ्रेंड्स मैं खाना नहीं खा रही हूँ अभी और उनके लिए मैंने बना के रख दिया है। वो फिलहाल कह रहे हैं कि थोड़ा वर्क करना है अभी। ये देखो लग गए फिर से, हो गया डांस तुम्हारा। नाच बसंती नाच, थोड़ा एक और अच्छा सा स्टेप दिखाया जाए प्लीज। करंट लग गया, करंट लग गया। फ्रेंड्स अब मैं भी देखती हूँ शेखर का डांस अंदर जाकर के। आप लोगों को मैंने उनके एक दो स्टेप दिखा दिए हैं और आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक फटाफट से, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ जानने वालों के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।